जल्दी करनी है। सत श्रीकाल जी दोस्तों, प्रोग्राम की हाल है मेरे शहर का, बहुत बहुत स्वागत। अज 7 जुलाई 2022 ते पौने को 12 बजे ने नारे लग रहे ने, तुसीं तां वेख लो बठिंडा बस स्टैंड दे विच असीं खड़े हां। ये साडे भरा जिहड़े ने नारियां दा पहला सुन लो, देखो जी ये ओ शरीर ने, ये ओ बाहवां ने जिन्हां ने बड़ियां चैकिंगा कीतियां होणगियां, बड़ियां टिकटां कट्टियां होणगियां। अज इन्हां दियां बाहवां उतां होईयां पईयां ने, मुर्दाबाद जिंदाबाद चल रही है। इन्हां बाहवां तों इन्हां ने बहुत काम लिया, सो इस करके अज इन्हां दी गल जिहड़ी उह नहीं मन्नी जा रही। ये पेंशनर आपां तुसीं पढ़ लो, PITC दे वर्करां दी तनखाह पेंशनां दा भुगतान करो। सारे जणे इत्थे इकट्ठे होए, सत श्री अकाल जी, शुभ नाम तुहाडा। मैं जी निर्मल सिंह धालीवाल, कन्वीनर PITC वर्करस एक्शन कमेटी जी। ये एक्शन कमेटी साडी 6 जथेबंदियां दी सांझे तौर ते बनी हुई है, जिहदे प्रमुख आगू इत्थे मौजूद ने। PITC वर्करस भाईचारा यूनियन दे आगू ने मोहम्मद खलील जी, कर्मचारी दल दे आगू ने तरलोचन सिंह जी लिबड़ा, C2 दे आगू ने तरसेम सिंह, SCBC दे आगू ने अपना नसीब चंद जी, और इंटक दे प्रधान ने बलदेव राज बत्ता ते गंडा सिंह जी खड़े ने। मामला जी, असी अज जिहड़े बठिंडे 21 जुलाई दी असी हड़ताल दी कॉल दित्ती है, उहदे वास्ते असी 17 मंगां दा मंग पत्र दित्ता मैनेजमेंट नूं और सरकार नूं, जिहदे विच प्रमुख मंगां इह ने वी ठेकेदारी वाले कर्मचारी जिहड़े रैगूलर कीते जाण। सरकार दा ऐलान सिर्फ डायरेक्ट ठेके वाले पक्के करन दा, साडा वी आउटसोर्स वाले हर किस्म दे कच्चे वर्कर पक्के कीते जाण। दूजा साडा मुख है वी तनखाह ते पेंशन है जिहड़ी हर महीने दी पहली तारीख नूं मिलनी यकीनी बनाई जावे, जिहड़ी 3 महीने ते जदों दी सरकार बणी है लगातार उह सानूं लेट मिल रही है। 20 तारीख नूं कदे, 25 नूं कदे, 28 नूं मिल रही है। उहदा कारण इह है वी सरकार फ्री ट्रैवलिंग दा पैसा नहीं दे रही गी PITC नूं, जदकि 25 करोड़ रुपया हर महीने का फ्री ट्रैवलिंग असी प्रोवाइड कर रहे हैं, वह 25 करोड़ ही तनखा पेंशन है। सरकार इन्नी भी संवेदनशील नहीं है भी वह 25 करोड़ देवे तो लोगों को अपना गुजारा चलाने वास्ते तनखा पेंशन मौके पर मिल सके। सो असी बड़ी गलबात करने की कोशिश की, नहीं यह मसला हल हो रहा, तो जिस करके सानू स्टैप चकना पाया। अज बठिंडे रैली रखने का कारण नाल भी है, जिथे असी हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। बठिंडे एक टिकट मशीनों का स्कैंडल होया जिन्हों बहुत करोड़ी स्कैंडल कहा जा सकता, जिहदी अमाउंट हाले एग्जैक्ट नहीं पता लगते हैं भी यह स्कैंडल 20 करोड़ तो 30 करोड़ तक का भी हो सकता है। ये बड़ा शॉकिंग स्कैंडल है, जिहड़ा PITC दे जड़ां नूं घुण वांगू खाजू, जे इहदी मतलब कोई प्रोपर तरीके दे नाल इनकुआरी करके प्रोपर मुकदमे दर्ज करके जे कलपरेट ने जे सामने ना लिआंदे गए चज नाल और सख्त इहदियां सजावां ना दित्तियां गईयां तां इह PITC दे भविख लई इक खतरे की घंटी है। उदों भी खतरे की घंटी ये है, बदकिस्मती ये है भी इत्थों दे जनरल मैनेजर जिहड़े इंचार्ज ने, जिन्हां दी जिम्मेवारी बनती है सीधे तौर पर डिपू की हर एक्टिविटी के उत्ते निगाह रखण दी, बंदे एक बंदे का भी पता हुंदा जनरल मैनेजर नूं भी बंदे माड़े ने जां कौन ने कित्थे तैनात किहनूं कीता जाणा चाहीदा है, वह सारे कुछ तो जनरल मैनेजर साहब सुन होए पए ने जमें, मतलब उन्हां वल्लों कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया जांदा भी कोई प्रशासन दे नाल मिल करके जां कोई दोषी लभण दा यतन किया जाए, जां डिपार्टमेंट दे तौर दे उत्ते की पेशबंदियां कीतियां जाणियां चाहीदियां सी। जिवें वर्कर नूं कह दिता जांदा भी तूं इंचार्ज सी, तूं जिम्मेवार आ, फलाना जिम्मेवार आ फलाना, तां फिर मुखी भी तां जिम्मेवार हुंदा ना। जिवें वज़ीरां दे उत्ते गल्लां आउंदियां ने, अज बड़े सरकारां वल्लों फड़े जा रहे ने, उह कहिंदे सिद्धे आप घबड़े करके आउंदे ने, हेठला अमला फैला हुंदा सारा नाल, ते उह मुख बंदे नूं तां फड़िया जा रहा ना। ते इत्थे बदकिस्मती है PITC दी हायर मैनेजमेंट दी भी इहनूं पहली नज़रे मुअत्तल करना बनदा सी जनरल मैनेजर नूं, इन्हें तो ट्रांसफर भी नहीं की गई हाले तक, और ये पक्का साडा दोष है भी वह जांच को प्रभावित कर रहे हैं और वर्करां दे विच भी वह फुट पाउण दा यतन कर रहे हैं तरह तरह के भड़काऊ। तो एक तरह का मैं समझदा उन्हां फिक्र ही नहीं है भी कोई सरकार बदली है, जां तां सरकार ने आपदा चाल चलन नहीं बदलिया, अफसरशाही भारू है, जां फिर सरकार दे ध्यान च नहीं है गल भी अफसर उवें जिवें कर रहे, हाले उन्हां नूं पता ही नहीं भी कोई तब्दीली भी आई है। सो असी सरकार दे भी ध्यान च लियावांगे, इदों बाद असी चाहे विजिलेंस को डायरैक्टर विजिलेंस को मिलना पवे, जाके ट्रांसपोर्ट मंत्री को मिलना पवे, भगवंत मान जी जो वेले होंगे ने
जे गल ना सुनी गई तो पक्का उन्होंने बार मूहे जिन्ना चिर साड़ी गल सुनते नहीं इस स्कैंडल बारे तो उन्ना चिर असी पूरा जतन करांगे। सो इहदे नाल ही कुछ होर मंगा ने साड़ियां 1992 दी पेंशन तो वांझे रह गए ने कुछ लोग 400-500 ने बजुर्ग ने समाजिक सुरक्षा चाहिए उन्होंने उन्होंने पेंशन देने की मंग है साड़ी। और इस तरह ही बसा नवीं पाउण की गल है, कोशिश ये हो रही है भी किलोमीटर स्कीम दे बसा पाई जान। असी खिलाफ हाँ, डट के खिलाफ हाँ किलोमीटर स्कीम दे गड्डियां दे, वो एक तरह का निजीकरण का दूजा ना है। उस नाल प्राइवेट माफिया वाले भी बेनामी गड्डिया पा के साडे PRC घुसते हैं और अंदरों भी जिहड़ा माड़ा एलीमेंट है मैनेजमेंट का वह एलीमेंट फॉल्टी एग्रीमेंट करके अंदरों भी ढा लाता तो बाहरों भी ढा लगते हैं। तो पहला भी अजे अनेक मामले सामने आते हैं, वर्करां दे बकाए ने वित्तीय बकाए 5-5, 10-10, 15-15 साल तो घट्टो घट 90 करोड़ के बकाए जिहड़े साडे पेंडिंग पए ने हुण तक वह बकाए अदा नहीं किए गए। सो इस तरह से साड़ियाँ 17 मंगा का जिहड़ा मंग पत्र असी दिता हुआ मैनेजमेंट नूं और असी 21-7 की हड़ताल की कॉल दिती हुई है। जे ये मसले मैनेजमेंट ने हल ना किए, तनखा पेनशन समय सिर मिलना और बठिंडे के स्कैंडल दे लॉजिकल एंड तक लिजा के सामने विजिबल ना दिखे भी सरकार ज मैनेजमेंट कोई ज प्रशासन सख्त है इस मामले के उत्ते, तो असी एजीटेशन कंटीन्यूस चलूगी। तो असी फिर जोड़ा अज मामला कल PRTC के यू सरकार के पद्धर के उत्ते भी थोड़े मीडिया के माध्यम के नाल भी डायरैक्ट कोशिशों के नाल भी सरकार के भी ध्यान च लियावांगे। तुसी एक गल की कि 25 करोड़ रुपया जिहड़ियां सानू पे नहीं मिले वो जिहड़े फ्री लोगों को सफर करवाया गया वो लोग है, दूसरे पासे जिहड़े लोगों ने मेहनत करके उन्होंने फ्री लोगों को अपने अपने मुकाम ते डेली पहुँचाते उन्होंने तनखावां नहीं मिली, हुण वो जिहड़ियां तनखावां नहीं मिली तो उहदे च तुहाडा लोगों का की कसूर है? फ्री इन्हां ने दे के अपने नंबर बनाए, आप वोटां लईआं ते तुसी जिहड़े लोग कामे लोग सीगे उन्हां दी तनखा नहीं दे। देखो नैतिकता दे तौर ते मैनेजमेंट और सरकार दी नैतिकता ही हुंदी है भी किरती है जिहड़ा उहदी पसीना सुकण तो पहलां पहलां उहदी उजरत मिलनी चाहीदी है। बिल्कुल, पर यह किरती है जिहड़ा मुलाजम है यह एक महीना पसीना बहाउंदा तो पहली तरीक नूं आस करदा भी आपदे घर दे गुजारे वास्ते मैनूं कुछ मिले, वह महीना टपा के जे अगे तनखा मिले वो जिहड़े 2 नंबर की कमाई वाले अधिकारी हुंदे ने वह तो आपदा काम चला लैंदे ने। एक किरती लोग आपदा किसी ने फीसां भरनियां ने, किसी इलाज की गल है, किसी ने ब्याह शादी करने बच्चे ने, किसी ने कोई मकान का रिपेयर करनी है वगैरह वगैरह। तो यह सरकार असीं तां पहलां 20 वारी कह चुके हैं भी सरकार बिना किसी योजनाबंदी तो वोटां लैण दी गप्पां दे नाल रेस वो रेस के ऐलान दर ऐलान सरकार कर दियां ने ते मुड़ के मतलब इहदा मतलब यह है भी असीं आप दियां जेबां चों सरकार दी लाइबिलिटी जिहड़ी सरकार दी बनदी है असीं आप दियां जेबां ते आप दे हड्डां नाल हंडा के असी फ्री सफर दे रहे हैं आपदे पल्लों जेबां चों पैसे खर्च के। तुसीं एक गल कीती, सिंह साहब ने एक गल कीती कि जिहड़े लोग 2 नंबर दा काम करके कमा लैंदे सी हुण जिवें तुहाडियां इत्थों मशीनां चोरी हो गईआं, हुण तुसीं मैनूं दस्सो भी किन्नियां जिम्मेवार आदमी फिर मतलब तो डिपार्टमेंट कोई नहीं भी मशीन चोरी होगी बंदे नूं पुछना भी भाई साहब तुसीं आ मशीन लेके गए सीगे इहदा की हिसाब किताब है, कोई हिसाब किताब लैण वाला तुहाडे GM साहब जिहड़े सिरे ते बैठे ने टॉप ते किसे दी कोई जिम्मेवारी नहीं बनदी? यह भी मैनूं लगदा तुहाडा डिपार्टमेंट लावारिस है। गल है जी डिपार्टमेंट जी लावारिस होए अपने आप जिम्मेवारी बनदी है, असीं सानूं बैठने की लोड़ कड़ी है इत्थे गर्मी दे विच वर्कर बैठे ने बैठे इस करके ने कोई हिसाब मिले सानूं जिन्हें चिर इंसाफ नहीं मिलता उन्हें तो कर देना। गल तो देखो उही गल है भी जे ये लोग बैठे ने इंसाफ की भाल च, पर तुसी देखो भी जिहड़ा स्कैंडल होया जिहड़ी मशीनां दी मैं गल सुन रहा सी बड़े बड़ी देर तो ये चलदियां आ रही हैं भी मशीनां चोरी हो गई जी, जिस तरह सिंह साहब ने गल की भी हले तक वो ते कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं शुरुआत की है, बड़ी धीमी गति नाल चल रही है क्योंकि उन्हों जांच नूं प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है मैनेजमेंट वालों कि वो जे असली तत्थ ने वो सामने ना आ जा जे इक्का दुक्का नीचे वाले कर्मचारी ने ये उत्थे तक सीमित रह के इस मामले नूं रफा दफा किया जाए। देखो ठीक है आप मान लें भी तुसी जिहड़ी गल कहिंदे भी जिहड़ी प्रभावित की जा रही है फिर इहदा मतलब भी कौन किहदी फेवर कर रहा है? कोई इहदे च मैनेजमेंट सीधे तौर पर शामिल है क्योंकि सारियां जिहड़ियां हैगियां जिहड़ा किते भी हैगा किसी भी डिपार्टमेंट का हैड है हैड ऑफ द डिपार्टमेंट रिस्पोंसिबल हुंदा है उहदे थले जो कड़ियां ने दर्जा बदर्जा वो सारिया जिहड़ियां हैगियां इहदे च समझिए भी इनवॉल्व किते ना किते जिम्मेवार हैगे सारे ते उहनां दी भी जवाबदेही होनी बनदी है। मैं देखो गल यही है भी जवाबदेही सारिया की बनती है पर जवाब कोई दे नहीं रहा, सारे जने कोशिश ये कर रहे हैं भी ठीक है यार भी धीमी गति नाल चलता रहे लमकांदे जाओ लमकांदे जाओ
कदों तक चलूगा जे जवाब लैण वाले बेईमान हो जाण जवाब लिया ही ना जाए तो जवाब हुण जनता तो आवाज ही उठा सकती है ना हुण की असी की बंदूखा चक लीए जवाब लैण वाले लगता यह है भी बठिंडे तो यह चल रहा भी जिवें चोरां नाल कुत्ती रली हुंदी है इस इतों का बठिंडे का जे ये सिस्टम नहीं बदलिया जाता इतों तो इस सच तो परदा उठना मुश्किल है असी थोड़े माध्यम के नाल असी मिल के भी कह चुके हैं MD नूं और असी सकत्तर ट्रांसपोर्ट नूं मंत्री जी नूं भी पहुँच करांगे भी इस जनरल मैनेजर नूं मुअत्तल करके इनू इतों ओह किया जाए तो जांच का कुछ सच निकलेगा सामने बिल्कुल जी जिहड़े जनरल मैनेजर की गल चल रही है आपां कोशिश करांगे कि आपां उहनां दा भी पक्ष किसे दिन लईए उन्हां नूं पुछिए भी जनाबे वाला तुसीं की कार्रवाई कर रहे हो तुहाडे ते एडे एलीगेशन लग रहे हैं तुहाडी कोई सफाई देण दा है कुछ इस करके ये लोग बैठे ने इन्हां ने अपना हक लैना है तो इन्हां ने उदों तक नहीं जितों तक सुनन चाहे भी उठना जो तक इन्हां दे हक नहीं मिलते पर साडा जिहड़ा काम है मीडिया का असीं कोशिश यही करनी हुंदी है कि इन्हां दी गल तुहाडे कन्नां तक साडे कैमरे के माध्यम लैके आईए तां जो शायद दफ्तरां च बैठिआं नूं कम बथेरे हुंदे आ तो एक मीडिया ही इस तरह का माध्यम है जिहड़ा तुहाडे तक इन्हां दीआं सारीआं गल्लां पहुँचा सकदा कोशिश करिआ करो गल नूं ध्यान नाल सुनो ते उहदे ते अमल भी करो इस करके मेरा पार्ट इत्थे खत्म हुंदा तुहाडा शुरू हुंदा मैनूं दिओ इजाजत सत श्री अकाल।